हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशा अग्रवाल। आज फिर हम लोग एक और पिक अ कार्ड रीडिंग्स आपके लिए लाए हैं। आज का हमारा टॉपिक है इज न्यू लव कमिंग सून। क्या कोई नया रिलेशनशिप आपको अभी अप्रोच कर रहा है, और अगर वो कर रहा है तो वो रिलेशनशिप कैसा है और आपके फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए वो कितना सही रहेगा। तो यहाँ पर चार ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। आप इन चारों ग्रुप में से किसी भी एक ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टाइम स्पैन के अकॉर्डिंगली आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज किया है, उनके लिए उनकी लाइफ में अगर कोई नया रिलेशन अप्रोच कर रहा है या नहीं, और अगर वो कर रहा है तो वो कैसा रहेगा। एट प्रेजेंट तो कुछ नया या तो आ नहीं रहा, या हम कह सकते हैं कि उस तरह से नहीं आ रहा जैसा आप चाहते हो। द फूल कार्ड इंडिकेट्स सम काइंड ऑफ इमैच्योर रिलेशनशिप्स। ये भी कह सकते हैं कि कुछ इल्यूजन्स हैं, क्लैरिटी नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है, कुछ फायदा भी नहीं है। मीन्स उस रिलेशन में नो प्रॉफिट नो लॉस हम कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द फूल कार्ड हो सकता है कि हमें वहाँ से कुछ इमोशनल कंसर्न ना मिले, बट ये भी है कि हम उतना ज़्यादा हर्ट नहीं होंगे। तो किसी की मदद की ज़रूरत पड़ रही है कुछ नया अप्रोच करने में। थ्री ऑफ पॉइंट्स इंडिकेट करता है किसी की हेल्प लेना, कहीं से आपको गाइडेंस मिलना, किसी का सपोर्ट मिलना। तो कहीं ना कहीं एक नए रिलेशनशिप के लिए या कुछ नया आपकी लाइफ में आए उसके लिए आपको अपने किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या कोई आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। न्यू लव इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन हु इज लॉयल एंड रिलायबल। बहुत ही लॉयल और रिलायबल पर्सनैलिटी है जो भी आपके साथ जुड़ना चाहती है। द वर्ल्ड कार्ड इंडिकेट्स एक कंप्लीटनेस, एक जीत होना। अभी डिफिकल्ट टाइम है, उसे फेस करना ही पड़ेगा फॉर अप्रोचिंग न्यू लव। बेसिकली आपके साथ या उस पर्सन के साथ कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम है एक समय का फेर कि अभी डिफिकल्ट टाइम है, उसके कारण ही न्यू लव को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। Right now you are feeling some need, some desire to attract some new relationship. अभी आपको ज़रूरत तो है कि हाँ, आप किसी नए रिलेशन में इंडल्ज होना चाहते हो। टू ऑफ कप कार्ड इंडिकेट्स कि आप किसी एक आप यू आर इन द सर्च ऑफ सम रिलेशनशिप। एक न्यू रिलेशन में होंगे आप, पर शायद उसमें भी आप कुछ समय के बाद मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि अभी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। 8 of Cups, 9 of Swords, 7 of Wands, ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हमारे स्प्रेड में आ जाए जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि रिलेशन में परमानेंसी नहीं है। मे बी कि ये रिलेशन में आने के बाद आप इसको खुद ब खुद चेंज कर लो, क्योंकि खुद की सफरिंग्स हैं, एंग्जाइटी हैं जो आपके लिए हर्डल बन रही है। अभी आप खुद को ही रेजिस्ट कर रहे हो किसी भी एक अच्छे रिलेशन में आने के लिए। आपको पेशेंस रखना चाहिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें और वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें कि अभी थोड़ा समय दें, ऑब्जर्व करें चीज़ों को और उसके बाद ही आप डिसाइड करें। तो जो भी न्यू लव आपको अप्रोच कर रहा है वो आपके साथ लाइफ में कितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अब देखते हैं ग्रुप 2 जिन लोगों ने चूज किया है। कुछ नया आ तो रहा है, पर बहुत ही डिग्निटी और ग्रेस के साथ, इन हिडन मैनर। बहुत सीक्रेटिव अफेक्शन है, बहुत सीक्रेटिव लव है जो आपके सामने धीरे 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 ही ओपन होगा। बहुत ही हिडन इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल कंफ्यूजन बन रही है, शायद इसीलिए अपनी फीलिंग्स को हाइड किया जा रहा है। अब वो कंफ्यूजन ये है कि जो भी आपके साथ जुड़ रहा है वो बहुत ही मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम कार्ड्स की बात करें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स ये इंडिकेट करते हैं कि जो भी रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी है, जो हार्ड वर्किंग भी है, डिफ़िकल्टीज को ओवर करने में कैपेबल है, पर कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल स्टेटस या अपने करियर या अपनी स्टडीज और लर्निंग्स को लेकर कहीं ना कहीं अभी वो थोड़ा वरिड चल रहे हैं, जिसके चलते वो इस रिलेशन को उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, इसलिए अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं या उतना ज़्यादा उसमें डिवोशन नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उनका जो बेसिक नेचर है वो है डेडिकेशन इन एवरीथिंग। तो अगर कोई काम उन्हें लगता है कि मैं उसको पूरे डेडिकेशन के साथ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है अपनी फीलिंग्स को हाइड करने का। तो फीलिंग्स होते हुए भी हाइड करना, क्योंकि अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, रिलेशनशिप में एंटर भी करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, पर वो चाहें तो अपने ब्लॉकेजेस और अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को ओवरकम करके जल्दी ही जुड़ सकते हैं। लेकिन अब उसमें कितना टाइम लगेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो न्यू रिलेशन एक अच्छा लॉयल ऑनेस्ट रिलेशनशिप है, इट्स गुड, पर अपनी प्रॉब्लम्स के कारण जो सीक्रेटिव नेचर हो रहा है वो कहीं ना कहीं शुरुआत होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अब देखते हैं ग्रुप थ्री जिन लोगों ने चूज किया है। बिकॉज यू आर वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, एक रिलेशन आपको अप्रोच कर रहा है। आपकी स्ट्रेंथ को देखकर, आपका बिहेवियर देखकर, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को देखकर एक नया रिलेशन आपको अप्रोच कर रहा है। हो सकता है कि आपका मेंटल लेवल डिफरेंट हो, आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो, आप दोनों की सोच में बहुत फर्क हो, मेंटली इमोशनली एस्पेक्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं, और उसी के कारण ये रिलेशनशिप डिमांड करेगा ज़्यादा पेशेंस की, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजेज, ज़्यादा एडजस्टमेंट्स। पर कहीं ना कहीं आपको अलर्ट भी रहने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। अभी इस रिलेशन में पूरा एनर्जी लेवल लगेगा, बहुत एंथुसिएज्म लगेगा, बहुत उत्साह लगेगा, ऐसा लगेगा कि लाइफ एकदम टर्न हो गई है, बहुत मज़ा सा आएगा, बट बाद में सब मैनेज करने में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू होने वाली है, क्योंकि एक्चुअल में जो ये नया रिलेशन आपके साथ जुड़ रहा है ये एक कार्मिक लेसन है, ये एक कार्मिक बंधन है जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाने आया है। बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस रिलेशन इज वेरी गुड, बट अगर इमोशनल कंसर्न और उस तरह से पॉजिटिविटी की बात करें तो ये रिलेशन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं थॉट्स में डिफरेंस होने के कारण प्रॉब्लम्स आने के पूरे पूरे चांसेस रह सकते हैं। शायद आपको आपकी प्रायोरिटीज क्लियर हो जाएं, अब आप ज़्यादा प्रैक्टिकल और सुलझे हुए हो जाएं, लाइफ में आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़े, क्योंकि अगर हमें लाइफ लर्निंग देती है, जीवन में हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो उसके बाद हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, हमारे परसेप्शंस चेंज होते हैं, हमारी प्रायोरिटीज बदलती हैं। तो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए शायद ये रिलेशन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, पर इमोशनल एस्पेक्ट्स में और लॉन्गेविटी के हिसाब से देखें तो ये रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। अब देखते हैं ग्रुप फोर जिन लोगों ने चूज किया है। बिकॉज ऑफ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, नाइन ऑफ कप्स, सारे ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं एक नया मैजिकल रिलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके खुद की स्ट्रॉन्ग विश, आपकी खुद की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी और क्या रिलेशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज आपकी ऑरा इस समय इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जैसा रिलेशनशिप आप चाहते हो वही चीज़, वही नई अपॉर्चुनिटी, वही नया रिलेशन आपकी तरफ खिसका चला आएगा। बस थोड़ा सा ये है, बी रिसेप्टिव, आप अपने आप को उस रिलेशन में इन्वॉल्व होने की, एंटर करने की एक्सेप्टेंस कीजिए,
अपने आप को परमिशन दीजिए कि हाँ नाउ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप, क्योंकि ये रिलेशन आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव टर्न लेकर आएगा। द स्टार इंडिकेट्स कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी फुलफिल होंगी, आप में सेटिस्फेक्शन लेवल आएगा, प्लेजर मिलेगा लाइफ में, हैप्पीनेस मिलेगी। अभी एक्सेप्टेंस में हो सकता है कि टाइम लगे, बट ग्रेजुअली समय के साथ आपको क्लैरिटी आने लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आएंगे, ऑनेस्ट फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप होगा धीरे धीरे समय के साथ। आपके अंदर लाइफ को लेकर और नई उम्मीदें जागेंगी, आप लाइफ में और बेटर करोगे इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, बहुत प्लेजर आएगा और जल्दी ही सबकॉन्शियसली वो अट्रैक्शन आपको खुद ही क्रिएट करना है टू अट्रैक्ट एन ऑसम रिलेशनशिप। टेन ऑफ कप्स कार्ड भी इंडिकेट कर रहा है एक रेप्यूटेड, एक सामाजिक वे में भी अच्छा रिलेशन डेवलप होना, जिसमें आपको बहुत खुशी मिल रही है, बहुत आपका कंटेंटमेंट लेवल हाई है, फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है। तो इन ओवरऑल ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ का एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट होगा, जो आपकी आने वाली सक्सेस के लिए भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग, और आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली फर्दर वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।